प्राचार्य के रूप में उस मेडिकल कॉलेज के विकास में भरपूर योगदान दिया, एक संवेदनशील चिकित्सक के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को के जीवन को बचाने के लिए उस समय जब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां थी उस समय उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए यहां के बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ अपना योगदान दिया, अपनी विरासत का सम्मान देने के लिए अपनी मातृभूमि में आकर के यहां के बच्चों को प्रति सप्ताह आकर के बैठते थे और बच्चों को फ्री में उपचार कराते थे। बस्ती वासियों को उपचार कराने के लिए गोरखपुर न जाना पड़े इसके लिए वे स्वयं शनिवार रविवार को आकर के यहां स्वयं अपनी ओपीडी चलाते थे और विकास की योजना के साथ जब वहां से सेवानिवृत्त हुए तो स्नातक प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। लगातार कार्य करते रहे, एक समाजसेवी के रूप में कार्य करते रहे, लगातार इतनी सहजता, इतना बड़ा चिकित्सक जिस समय डॉक्टर वाईटी सिंह जी काम करते थे, एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर, निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा चिकित्सक कोई नहीं था, उतनी अच्छी प्रैक्टिस करने वाला कोई चिकित्सक नहीं था। लेकिन इस अहंकार से मुक्त पूरी सहजता, शालीनता और किसी भी कार्य के साथ लगा लो, कहीं भी लगा लो, वह उसी प्रतिबद्धता के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, लगते थे, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज जब इस एकेडमी में मुझे आकर के डॉक्टर साहब की प्रतिमा को विमोचन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है और डॉक्टर वाईडी सिंह जी की स्मृति में उनके अविस्मरणीय स्मृतियों को इस ग्रंथ में रखने और इसे आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, मैं इस अवसर पर सबसे पहले डॉक्टर वाईडी सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वास्तव में ऐसे लोग अपने कार्यों से स्मरणीय बनते हैं, अपने कृतित्व से स्मरणीय इनका व्यक्तित्व बनता है और उन्होंने अपने जीवन में उस प्रकार के कार्य किए थे, हर एक क्षेत्र में किए थे, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या समाज सेवा के क्षेत्र में, क्या बागवानी के क्षेत्र में, क्या गोरक्षा के क्षेत्र में। जब 4 वर्ष पहले बाढ़ से पीड़ित इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए मैं आया था, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर वाईडी सिंह जी यहां होंगे और मुझे भी नहीं पता था कि ये उनका गांव है। मैं तो आया था बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए और उस समय जब मैं यहां पर आया था तो बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के बाद फिर मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहां कैसे? उन्होंने कहा मेरी जन्मभूमि यही है और यहीं पे मैंने यहां के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए स्कूल भी खोला है और तब मुझे इस स्कूल में, इस एकेडमी में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मैं देखता था कि गोरखपुर से यहां आना, शिक्षा के अलग को आगे जगाना, यहां पर इससे पहले एमएलसी के रूप में समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना, जिस भी फील्ड में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ वहां पर उन्होंने कुछ मानक तय किए और उन मानकों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज डॉक्टर वाईडी सिंह जी नहीं है लेकिन मैं उनके पुत्र श्री श्वेतांत शेखर जी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, डॉक्टर गीता दत्त जी को,
और उनके परिवार के उन सभी सदस्यों को, जो तो परिवार के आज पूरा परिवार उनका यहां पर आया हुआ है, उन सबको मैं हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डॉक्टर वाईडी सिंह जी की स्मृतियों को उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में उनकी मूर्ति की स्थापना के साथ ही इस ग्रंथ के रूप में उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, आम जनमानस तक उसे पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है यह अत्यंत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर वाईडी सिंह जी जैसे व्यक्तित्व को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है, और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर वाईडी सिंह जी जैसे व्यक्तित्व की प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रम में और ग्रंथ विमोचन कार्यक्रम में मुझे उनकी जन्मभूमि पर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, बस्ती जनपद इसकी अपनी पहचान है, अयोध्या के एकदम बगल में है, और आज से नहीं हजारों वर्षों की विरासत आपके पास है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।